और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बागपत में इन दिनों एक गांव के कई परिवारों ने अपने घरों की दीवारों और दरवाजों पर मकान बिकाऊ है के इश्तेहार लगा दिए हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी के कई शहरों में पहले भी ऐसे इश्तेहार लगाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके पीछे की वजह बढ़ती धार्मिक कट्टरता बताई गई। लेकिन बागपत में मकान बेचने के लिए पोस्टर लगाए जाने की वजह कुछ और है। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। ये मकान बिकाऊ है। मेरठ, शामली और कैराना समेत कई पश्चिमी यूपी के जिलों के बाद अब बागपत के गंगनौली गांव में कई लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर ये पोस्टर लगा दिए हैं, जिस पर लिखा है ये मकान बिकाऊ है। लेकिन इस बार लोग पुलिस उत्पीड़न को अपना मकान बेचने की वजह बता रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि बागपत के दोघट थाने की पुलिस उनके युवकों को फर्जी मुठभेड़ में फंसाने में लगी है। सुरक्षित गांव वाले पार्टी बाजी बात ये किसी को फंसाए, कभी पुलिस फंसा दे, कभी कोई फंसा दे, इस तरह के यहाँ ऊपर धरा हुआ है। अब तो प्रवीण अपने खेत में काम पर जा रहा था, वहाँ से पुलिस उठा लाई। उठाने के बाद में उसको लाई तो खेत में से उठा गए, इनकाउंटर इधर दिखा रहे हैं, कहीं कुछ मुठभेड़ दिखा रहे, कहीं कुछ ये। गांव वालों का आरोप है कि 30 अगस्त को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में प्रवीण नाम के युवक को गोली मारकर घायल कर दिया और उसके पास हथियार दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की एक करतूत एक सीसीटीवी में कैद हो गई। इसी घटना से नाराज गांव वालों ने अपने घरों के आगे मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए। जब यहाँ जो गाँव के आम नागरिक है उनके साथ में ये अत्याचार है कि ले जा करके खेत में से और फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखा सकते हैं, तो फिर गांव में रहने से यहाँ क्या लाभ है? हमें तो ये गांव भी ये मकान भी बेचने पड़ेंगे और गांव छोड़ करके यूपी से बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ न्याय मिलने वाला नहीं है। और हमने सब जगह इसकी गुहार लगाई है कि इनकी जाँच की जाए और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही की जाए। हालांकि पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया है उसका भाई भी एक इनामी अपराधी रह चुका है, जिसकी हत्या हो गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि उसके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, इसलिए परिवार अब पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा रहा है। घटना साहब के द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें मैं रिपोर्ट उनको बना के प्रेषित करूंगा। शातिर और दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध जो बागपत पुलिस की मुहिम है वो उसी प्रकार जारी रहेगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच की बात करते हुए सीसीटीवी का सीडीआर जब्त कर लिया है। लेकिन इस घटना के बाद गंगनौली गांव के कई परिवारों ने अब गांव और प्रदेश छोड़ने की धमकी दे डाली है। बागपत से एबीपी गंगा के लिए राजीव पंडित की रिपोर्ट।